सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। आज है 6 जून 2021। सुबह के 11:30 बज गए हैं, उठ गए थे हम करीबन 8:30 बजे, पर वही अपना इधर उधर चाय वाय पीने में टाइम लगाया। एक ब्लॉग देखा सौरभ जोशी का सुबह सुबह, उसके बाद अपनी अब नहाए हैं, पूजा कर ली है, अब नाश्ता करेंगे। तो अभी दोनों बच्चे उठ गए हैं। चीकू हेलो, ये आदि। चीकू देख रहा है मिनियंस मूवी, डेस्टिकेबल 2 करके मूवी का नाम है, मेरे को अच्छी याद नहीं है। और ये हल्क को देख रहा है मजे से मोबाइल में। और अभी अपना जो है नाश्ता रेडी हो चुका है, नाश्ता बोल लो चाहे लंच बोल लो। हमारी मेरी फेवरेट अरबी की सब्ज़ी है और दाल है, एक नंबर। रोटी, चटनी, हरी मिर्च, अरबी, दाल, दाल चावल, खीर, एक नंबर। सो जैसा कि मैंने पहले बताया था ना कि वो धनिया पुदीना हरी मिर्च बोने के लिए एक गमला लेके आएंगे, बट वही अभी तक गया नहीं, वो जाने मौका नहीं मिला, टाइम नहीं था, मैं घर जा से बाहर निकल भी रहा हूँ, कल से स्टार्ट करूँगा मार्केट जाना। तो अभी मेरे पास एक गमला था एक्स्ट्रा, छोटा सा गमला है, तो मैं सोच रहा हूँ कि उसके अंदर पुदीना तो लगा ही देता हूँ, क्योंकि धनिया मेरा काफ़ी हद तक बड़े होने लग गए हैं। ये देखिए, ये सारा धनिया है, तो ये धनिया तो सारा अच्छा निकल गया है, यहाँ पर भी निकला है, तो ये एक एक्स्ट्रा गमला है, इसमें सोच रहा हूँ पुदीना लगा दूँ। सो अभी मिट्टी थोड़ी सी खोद के इसके अंदर पानी डाल दिया, अब ये थोड़ी मिट्टी जो है अभी हार्ड थी, सॉफ्ट हो जाएगी, और उसके बाद फिर दोबारा मिट्टी खोदेंगे और फिर उसके अंदर पुदीना बो के ढंग से मिट्टी फिट कर देंगे। तो ये हमारे पास पुदीना है, इसकी हमें क्या करना है, ये लीफ जो है ये यहाँ से काट देनी, करीबन इतना गैप रखना है और मिट्टी में दबाएंगे यहाँ तक, तब जाके एकदम बढ़िया पुदीना निकलेगा। तो चलिए कटिंग करता हूँ मैं। सो ये ऐसे ऐसे लीफ्स काट ली हैं सारी मैंने, और अब ऐसे डाल दूँगा। सो ये पुदीना तो लगा दिए, बाकी मुझे लग रहा है सही नहीं लगा, पूरा मैसअप हो गया है, बट कोई दिक्कत नहीं है, ट्राई करते हैं, 2 दिन बाद देखेंगे ये काम। यस बेटा, आपने एकदम सही बोला था, ये चीकू ने मेरे को बताया, गाड़ी को फ्रिज में रखते हैं तो ये ऑरेंज हो जाती है, और ये क्रीम लगी थी पहले, और मैंने उसको बोला था कि नहीं यार ऐसा नहीं है, वही बेटू बना के तेरे को। आदि चिप्स खा रहा है, ये ब्लॉगर है हमारा, तो रियलिटी में ये ऑरेंज हो गई है, और ये इसको अद्दू ने गिफ्ट की थी। थैंक यू सो मच अद्दू, थैंक यू बोलो तू भाई को, तेज बोलो थैंक यू। तो अद्दू लेके गया था, मुझे विश्वास नहीं था, मुझे लगा शायद उसने बेवकूफ़ बनाया है, बट सीरियसली ऑरेंज हो गई है वो क्रीम से, थैंक यू। और अभी हमारे टोटो का खाना आ गया, हाँ आदि का बड्डा हो रहा था, बड्डा नहीं बर्थडे था कल। कट गया पर लग ही नहीं, बच गया। टोटो का खाना आ गया है, पहले यही डब्बा आता था 650 का, पापा लेके आते थे मैनुअली, अब मैंने ऑनलाइन मंगाया, ऑनलाइन मुझे ये डिलीवरी चार्जेस पड़ा 450 का, और साथ में 10% एक्स्ट्रा खाना। टोटो अब हैप्पी हो जाएगा, तो बाल्टी भी हमारे काम आ जाएगी। अरे हाँ यार, बाल्टी काम भी आ जाएगी, ये से किस काम आएगी, तुमने ही बोला काम आएगी, तो किसी ना किसी काम आएगी। बताता हूँ खा के, मीठा है नहीं, मैंने वहाँ पर टेस्ट नहीं किया था, मीठा है पर बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक ठीक मीठा है, बढ़िया खाया जा सकता है, जितना खुश हो रहे हो उतना मीठा नहीं है। सो जो मैं आज वीडियो एडिट करके डालूंगा वो 25th वीडियो होगी मेरी डेली व्लॉग की, तो हमारी क्वार्टर सेंचुरी हो चुकी है और 25 वीडियो डल जाएंगी, अब जल्दी से 50 होएंगी, फिर 100 होएंगी। तो अभी बैठे बैठे एक दिमाग में ऐसा ख्याल आया कि क्या मैं 365 दिन 365 वीडियो डाल पाऊँगा डेली ब्लॉग की, देखते हैं, अगर ऊपर वाले का साथ रहा, माँ का आशीर्वाद रहा, तो मेरे ख्याल से तो डल जाएंगी, बाकी आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, आप लोगों का साथ चाहिए। जब से मैंने ये मोटो ब्लॉगिंग और डेली ब्लॉगिंग डालनी स्टार्ट की है, मैं इतना खुश हूँ, मैं इतना एक्साइटेड हूँ अपने ब्लॉग्स के लिए, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस मज़ा आ रहा है, मैं करे जा रहा हूँ, मेरे को काम की टेंशन ज़्यादा है, इसकी इतनी है ही नहीं, मतलब इसमें तो इतना फ़न आ रहा है ना कि मैं बातें करता हूँ आप लोगों से, मैं अपनी फैमिली के बारे में आपको दिखाता हूँ, बच्चों को दिखाता हूँ, अपनी लाइफ दिखाता हूँ, हम कैसे मस्ती करते हैं वो दिखाता हूँ,
तो एक अलग ही फीलिंग है। तो बस देखो आप लोगों का साथ रहा, दुआ रही, तो 365 दिन 365 वीडियो कंफर्म आएंगी, 100% आएगी, श्योरिटी के साथ बोलता हूँ। हाँ देखो 1% चांस है कुछ मैं बीमार पड़ जाऊँ या कुछ प्रॉब्लम हो जाए घर के अंदर, तो बात अलग है शायद ना आए, बट मेरी 99.99% 100 मैंने पहले बोला, दोबारा बोल रहा हूँ, 99.99% श्योर मेरी 365 वीडियोज़ आएंगी, मुझे पूरी उम्मीद है। तो बाकी अब चलते हैं, देखते हैं, अभी एडिट करते हैं और देखेंगे आगे फ्यूचर में कि मैं कब तक ये चीज़ कम कर पाऊँगा। तो आज तो मैं कर रहा हूँ, आदि का कल बर्थडे था 5 जून को, आज 6 जून है, तो अभी मैं उसके बर्थडे वाली वीडियो जो एडिट करूँगा और आपको कल दिखाऊँगा। कल देखिए और बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी कैसी नहीं लगी। बाकी वो कल जो है ना, आने वाला कल है, और जो ये वीडियो आएगी, जब ये जो भी मैं बोल रहा हूँ ये वीडियो में पिछला कल हो जाएगा। बड़ा कन्फ्यूज़न है यार, मैं एक दिन गैप लेकर ना डाल रहा हूँ वीडियोस, मैं इसी को ख़त्म करूँगा। मैं सोच रहा हूँ मैं कुछ ऐसा करूँ कि जिस दिन मैंने वीडियो बनाई है उसी रात को वो एडिट करके नेक्स्ट डे उसको पोस्ट कर दूँ, तो उसमें क्या है एक दिन का ही गैप मतलब रहेगा। जैसे आज की वीडियो कल आ गई, अभी क्या हो रहा है आज की वीडियो एक दिन छोड़ के आ रही है, मीन्स आज 6 तारीख है, तो वीडियो जो है ये 6 तारीख की आपको 8 तारीख को मिलेगी। तो मैं सोच रहा हूँ इसको थोड़ा सा ठीक करूँ। तो मैं केक लेके आया तो उसने हाथ के मुझे लाया, अरे आइसक्रीम है, आइसक्रीम नहीं है केक है। कह रहा कौन सा केक, मैं स्पाइडरमैन केक है तेरा। कह रहा चिली खा के स्पाइडरमैन बन जाते, मैं हाँ। कह रहा चिली जाल भी फेंकते, मैं हाँ जाल भी फेंकते। ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछता है, चिली खा के स्पाइडरमैन बन जाते, चिली जाल भी फेंकते। आदि इसको खा के क्या होगा, आप स्पाइडरमैन बन जाओगे, फिर क्या करोगे, फिर क्या करोगे, जाल फेंकोगे। वेरी गुड, जाल फेंकोगे, कहाँ पे फेंकोगे जाल, वहाँ ऊपर फेंकोगे, फिर चिपक जाओगे वहाँ जाके। अरे वाह। देख रहे हो उसकी बातें अनोखी होती है, चिली स्पाइडरमैन, चिली जाल फेंकूंगा। पहले कोई भी बात करता था तो मतलब से कुछ पूछो कि आदि हम कहाँ जा रहे हैं, नी मामा हाउस, पहले नी बो हर बात में नी बोलता था, अब हर बात में चिले बोलता है, चिले ये चिले वो, पता नहीं चिले का मतलब क्या है। गाइस ये ऑरेंज हो गया, हाँ फ्रिज से हुआ है, चीकू ने किया है, वेरी गुड। अद्दू भाई ने गिफ्ट दिया था, अभी शाम के 6:30 बज गए, मेरे को 2-2.5 घंटे के आसपास हो चुके हैं एडिटिंग करते हुए, अभी भी चल ही रही है क्योंकि कल का व्लॉग काफ़ी लंबा हो गया था, काफ़ी ज़्यादा वीडियो बन गई थी, और ये दोनों फुल मस्ती में लगे हुए हैं, यहाँ बैठे एडिटिंग कर रहे हो, करने नहीं दे रहे। ये तो फिर वापसी क्रीम हो गया ऑरेंज से, अभी इसको ऑरेंज करते हैं, रुको, उनकी मस्ती नहीं ख़त्म हो रही है दोनों की, मज़े से लगे हुए हैं। अब बस थोड़ी देर में बस एडिटिंग ख़त्म मतलब हो चुकी है, अब थोड़ा बस म्यूज़िक जो फाइनल चेक करना है कि कुछ कमी तो नहीं है, फिर उसको एक्सपोर्ट करते हैं और अपलोडिंग करते हैं। इतना छोटा ब्लैंक लेट, इतने छोटे बच्चे के पास, तो इसके पास तो बहुत बड़ा, ये बड़ा बच्चा है तो देख लिया, अरे बोलने दो पापा को। बाकी यार जो एडिट कर रही है वीडियो, एक नंबर यार, एक नंबर, मतलब मज़ा आ गया इसके बर्थडे की वीडियो जो है बहुत अच्छी बनी है, बहुत इन्जॉय किया हम लोगों ने, बहुत मस्ती करी थी, कल थक भी गए थे बहुत ज़्यादा, पर मतलब थकान फील नहीं थी, मतलब इतना इन्जॉय किया, इतना इन्जॉय किया। तो गाइस अभी ना पॉपअप हो गया, मैंने अपलोडिंग कर दी थी वीडियो और सब कुछ ओके था, फिर 10 मिनट बाद एकदम से मैंने दोबारा चेक किया थंबनेल क्रिएट करने के लिए, तो देखा जी कॉपीराइट क्लेम आ गया है। तो कॉपीराइट क्लेम किस बात का आया कि एक गाना मैंने कुछ सेकंड्स ज़्यादा यूज़ कर लिया, तो उस वजह से कॉपीराइट क्लेम आ गया। अब उस पोर्शन को मैंने म्यूट कर दिया है, अब देखते हैं, दोबारा डाल रखा है उसको मैंने चेकिंग पे, अगर क्लेम आता है तो फिर मेरे को दोबारा से एडिट करना पड़ेगा, उस पार्ट को हटाना पड़ेगा वीडियो में से, उसके बाद अपलोडिंग करूँगा, नहीं तो अगर नहीं आएगा तो वो 10-12 सेकेंड की क्लिप है वो म्यूट हो जाएगी, वहाँ कुछ भी आपको साउंड कुछ नहीं मिलेगा। देखते हैं यार, पता नहीं क्या क्या हो रहा है यार, इतनी प्यारी वीडियो थी और वो गाना पता नहीं क्यों उन्होंने क्लेम मार दिया उस गाने का यार, ब्राउन मुंडे गाना था उसके ऊपर, इतना मस्त डुगो और अद्दू डांस कर रहे थे, इतना मस्त कर रहे थे यार, क्या है यार। चलो जल्दी मुझे दोबारा से वो वीडियो डिलीट करनी पड़ी है और दोबारा उसको मैंने एडिट करके अपलोड किया है, अब तो रिस्ट्रिक्शन नन हो गई है। एक्चुअली गलती मेरे से ये हो गई थी, गाना मैंने कुछ सेकंड एक्स्ट्रा यूज़ कर लिया था, इस वजह से कॉपीराइट क्लेम आ गया था, नो कॉपीराइट साउंड नहीं था वो, नॉर्मल गाना था और उसको एक्स्ट्रा यूज़ किया था इसलिए आ गया, तो उसको हटा दिया मैंने, नॉर्मल नो कॉपीराइट साउंड लगा दिया है। तो सब कुछ हो चुका है, रात के 10 बज चुके हैं, खाना बन चुका है, खाना खाएंगे, मोबाइल देखेंगे और सो जाएंगे डेली की तरह। तो ठीक है, इस ब्लॉग को अब यहीं ऐड करते हैं, तो अभी मैं वही कहूँगा जो हमेशा कहता हूँ, अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर नए हैं और चैनल की कुछ भी चीज़ अच्छी लग रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। तो टिल देन
बाय 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 बाय।